अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने चार्ज ले लिया हमारे साथ है। अल्पसंख्यक मामलों पर लगातार कहीं ना कहीं जो भी सरकार बनती है विपक्ष के निशाने पर रहती है और खासतौर पर एनडीए सरकार, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके परिणाम ये आ रहे हैं सारी जगह देखने में कि अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय में केंद्रीय नेतृत्व को लेकर एक विश्वास और आस्था का भाव पैदा हुआ है और लोग जो है ना उनके मन में एक रोशनी की किरण जाग रही है। मैं पिछले दिनों बनारस के आगे गया था तो वहाँ बुनकरों से मिला था, तो बुनकरों ने एक बात कही थी कि हमको केवल मोदी जी से ही आशा है। वो जिस बरसों से 60 साल से मतलब जिस तरह से कष्टों भाव के दौर से गुजर रहे थे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद बुनकरों के हित के लिए जिस ढंग से काम हुआ है और अन्य मशीनरी और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शासन की योजनाएं बनी हैं, उससे एक अल्पसंख्यक वर्ग में एक विश्वास का भाव भी पैदा हुआ है और उनका आर्थिक, सामाजिक, रोजगार की दृष्टि से विकास। वीरेंद्र कुमार जी, 3 साल बीत चुके हैं, अब 2 साल आपके पास बाकी है और नए मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, तो कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी आपकी? देखिए, हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री समय मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा जो हमको काम दिया जाएगा, जो भी काम दिया जाएगा, हम उस काम को प्राथमिकता से आगे बढ़ाएंगे। 3 तलाक के बाद महिलाएं काफ़ी जागृत हुई हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं एनडीए के साथ जुड़ रही हैं, क्या इसका फ़ायदा पार्टी को आने वाले चुनाव में होगा? देखिए, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर काम केवल चुनावी दृष्टि के लाभ की दृष्टि से नहीं करते हैं। हमारे अल्पसंख्यक वर्ग की जो बहनें जो है ना, ट्रिपल तलाक के दर्द के दौर से जब गुजरती थी तो उनकी पीड़ा जो है ना बहुत असहनीय होती थी और उन्होंने तो लाल किले की प्राचीर से केवल उनके बहनों की भावनाओं की अभिव्यक्ति की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद देश में जो वातावरण बना है कि अल्पसंख्यक वर्ग की बहनें जो है ना वो उन्होंने आगे बढ़कर स्वागत किया है और जो स्वागत इस बात को बता रहा है कि उन्होंने केवल प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, उन्होंने अपने एक परिवार के सदस्य के रूप में, अपने भाई के रूप में देखा है और जिस भाई के प्रति इस तरह से विश्वास का भाव होता है, बहनें खड़ी होती हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में परिवार में इस तरह के संबंधों को किस तरह से देश में यह भाई बहन का माहौल बन पाएगा क्या? बिल्कुल बनेगा, बन गया, बिल्कुल बन गया है और इस दिशा में काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफ़ी तीव्र गति से काम कर रही है। धन्यवाद। इस समय दिल्ली से कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ अनामिका रत्नाकर।